राजकुमार गौड़ निर्दलीय लड़ेंगे, बगीची में कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति में की घोषणा। कांग्रेस की सदस्यता से दिया इस्तीफा। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार गौड़ ने आज रविवार को गोपीराम गोयल की बगीची में भारी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। गौड़ ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। सबने हाथ उठाकर कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कार्यकर्ताओं के जोश और समर्थन को देखकर गौड़ भावुक हो गए, उनकी आंखें छलक गई। उनसे बोला नहीं गया, मंच पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और कुर्सी पर बैठाया। सभा में कई लोगों ने संबोधित किया। आखिर गौड़ ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा लिख दिया। सभा के बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम उन्हें उनके घर तक ले गया। रास्ते में बाबा रामदेव मंदिर में गौड़ ने धूप लगाई। मैं किस तरह से आप लोगों का आभार प्रकट करूं? मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मुझ जैसे गरीब आदमी को आप लोग इतना प्यार देंगे। बोलने दो उनको यार। इन भगवान के बंदों में, जेवर इन हरि नारायण के बंदों में मैंने भगवान को देखने की कोशिश की, मैंने राम को देखने की कोशिश की, मैंने कृष्ण को देखने की कोशिश की, मैंने गुरु नानक देव जी को देखने की कोशिश की, मैंने अल्लाह और रहीम को देखने की कोशिश की। मेरी माता और बहनों के दिल में मैंने सीता और सावित्री को देखने की कोशिश की। मैं चाहता था मैं इन लोगों के बीच में रहकर इनका साथी बनूं, मैं इस गगनर की सेवा करूं। मुझे जब तक पार्टी ने मौका दिया, मैंने रात दिन एक होकर, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आज से 20 पूर्व वर्ष यूआईटी का चेयरमैन बना था। यूआईटी के पास कुछ भी साधन नहीं थे, मुझे कोई साधन की आवश्यकता नहीं थी। जब बारिश हो जाती थी तो एसटी कॉलेज का कोना जो है ये मैंने बेचा लेकर खुद साफ किया। वो कहते हैं जनता को भी खींचेंगे। धन की और धन की लड़ाई है, धन और धन की लड़ाई है। आप धन के साथ हैं या धन के साथ? धन के साथ। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ करना वो काम कर दे। कल केवल खाता खुलाने के लिए 11,000 रुपए जमा कराए हैं। अगर आप पांच दिन बाद कहो कि अभी पैसा खत्म हो, देवा माता जी के आशीर्वाद के साथ भगवान को हाजिर और नाजिर मान के कहता हूँ कि मैं आपके कहने से चुनाव लड़ूंगा। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।